चौटाला परिवार की लड़ाई में पार्टी नेता कूदे, माजरा बोले गद्दारों की पार्टी में चार ही बचेंगे, पूर्व मंत्री का जवाब पार्टी निशान नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। हरियाणा में चौटाला परिवार की जंग में पार्टी के नेता भी कूद गए हैं। जननायक जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व डेप्यूटी सीएम तुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने इनेलो में वापसी की हामी भरी थी, जिसके बाद इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने उन्हें गद्दार और कलंक कहकर पार्टी में कोई जगह न होने की बात कही। उनकी इस लड़ाई में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जज्बा के इस्तीफों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि जज्बा का राजनीतिक ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है, गद्दारों की पार्टी में चार लोग ही बचेंगे। अब उन्होंने जज्बा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला यानी कि पूरे परिवार पर ये निशाना साधा। ये देख कर जज्बा के पूर्व मंत्री भी इस लड़ाई में आ गए। उन्होंने माजरा की सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, अंत किसका हुआ, इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद न आपके दल का नाम बचेगा न चुनाव आयोग की तरफ से निशान बचेगा। दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी पार्टी और विचारधारा का विनाश एक व्यक्ति के अहंकार, व्यभिचार और व्यवहार आप जैसे चाटुकार की वजह से हो गया है। INLD के निशाने पर जज्बा की तीन बड़ी वजह है। इस्तीफों की झड़ी से इनेलो को मौका मिला। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जज्बा के कई बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने सबसे पहले पार्टी को अलविदा कहा, इसके बाद चेयरपर्सन कमलेश सैनी, महिला विंग की प्रदेश सचिव ममता कटारिया, बावल से पूर्व प्रत्याशी श्याम सुंदर सभरवाल, जज्बा भाजपा गठबंधन के मुख्य सूत्रधार कैप्टन मीनू बेनीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, पूर्व विधायक सतेंद्र सिंह राणा, विधायक जोगीराम सिहाग, हल्का प्रधान जगजीत सिंह भोड़ी, प्रदेश महासचिव रेखा शाह के फतेहाबाद के, शहरी प्रधान पवन चुग और महम के पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्र बलहारा इस्तीफा दे चुके हैं। अजय चौटाला को अभय को पहला ऑफर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि INLD के निशाने पर जज्बा आने की दूसरी बड़ी वजह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के द्वारा अपनी तरफ से ऑफर दिया जाना है। अजय ने ऐसे संकेत दिए हैं, वे INLD में वापसी करना चाहते हैं। इससे उनके धुर विरोधी भाई अभय चौटाला को मौका मिल गया है और उन्होंने इस बहाने से जमकर सियासी हमला कर दिया। इसके बाद अब उनकी पार्टी के नेता भी जज्बा के नेताओं पर सीधा हमला बोल रहे हैं। अब सरकार में नहीं है जज्बा। तीसरा और सबसे अहम वजह यह है कि जज्बा अब हरियाणा में सरकार में नहीं है। भाजपा से जज्बा का गठबंधन टूट गया है। सरकार में शामिल रहने के दौरान INLD अब सीधे तौर पर जज्बा और उनके नेताओं को निशाना बना रही है। इसके जरिए वह ये मैसेज देना चाहती है कि जज्बा अभी भी भाजपा के ही साथ है। चूंकि दोनों पार्टियों का वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार जाट है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट वोट का ध्रुवीकरण न हो, इसको लेकर इनेलो जज्बा पर सीधे सीधे निशाना साध रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।